चलिए स्टार्ट करते हैं LCM एंड HCF। LCM एंड HCF एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एग्ज़ाम में आपके लिए यूजफुल है। इनफैक्ट HCF LCM के जनरल कंसेप्ट ओवरऑल मैथ्स में काम आते हैं। बाकी ये टॉपिक आपको SSC, बैंकिंग, CAT, MC एंट्रेंस या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो आप देते हैं उसमें बहुत यूजफुल टॉपिक है। और एक्चुअल में LCM HCF लेना तो आप सबको आता है, पर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जो होते हैं या वर्ड प्रॉब्लम जो होती हैं HCF LCM की, कई बार हम उनमें उलझ जाते हैं। क्यों उलझते हैं? क्योंकि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। तो इस चैप्टर्स को हम यहाँ काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, एंड एंडिंग में प्रीवियस ईयर के जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है SSC या बैंकिंग के या CAT के, वो भी हम LCM HCF के डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर क्लियर होगा और जो बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम होती है उनमें जो प्रॉब्लम आती है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब सबसे पहले हम बात करें HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो HCF क्या होता है? HCF मतलब है कि HCF टू और मोर देन टू नंबर्स में निकाला जाता है। और इसकी एक टाइप्स होती है कि फ्रैक्शन का HCF कैसे लेते हैं, नंबर्स का कैसे लेते हैं बड़े बड़े, तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि एक ऐसा नंबर जो नंबर्स दिए हैं जो कम्प्लीटली डिवाइड करे, वो उन नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड करे, इज कॉल्ड HCF। तो हमने एक जनरल डेफिनेशन लिखी, द HCF ऑफ टू और मोर नंबर्स, याद रखिए टू और मोर नंबर, इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड ईच ऑफ देम कम्प्लीटली। रिमेंबर, द HCF ऑफ टू और मोर नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड ईच ऑफ देम कम्प्लीटली, राइट? अब इसको सॉल्व करने के टू मैथड हैं। देर आर टू मैथड फॉर फाइंडिंग द HCF ऑफ टू और मोर नंबर। नंबर वन है स्प्लिट मैथड, मीन्स फैक्टराइजेशन मैथड, एंड नंबर टू है डिवीजन मैथड। यानी आप या तो फैक्टर बना के कर सकते हैं या डिवीजन मैथड से। मैं दोनों मैथड ही बताऊँगा, साथ में हम क्वेश्चन के साथ ट्रिक्स डेवलप करेंगे, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन में हो सकता है दोनों मैथड का यूज़ करें। ना आपको ये सोचना है कि हमेशा हम फैक्टर बना के करें या डिवीजन, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। और वर्ड प्रॉब्लम कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ। तो आप पहले इन दोनों मैथड के हम कंसेप्ट को समझें, किस तरह के क्वेश्चन हमको मिल सकते हैं। तो सपोज जैसे मैं एक क्वेश्चन दूं, 84 फाइंड HCF ऑफ 84 एंड 96। देखिए दो तरीके हो सकते हैं। अब बहुत बेसिक क्वेश्चन दिया है केवल कंसेप्ट बनाने के लिए, तो अगर मैं इसको फैक्टर मेथड से करूं तो इनके फैक्टर्स बना लें। जैसे आपको ये दिख रहा है कि 4 से डिवाइड हो सकता है, तो आपने 4 से डिवाइड किया तो 4 इंटू 4 2 4 1 21, राइट? ये भी 4 से डिवाइड हो सकता है, पर ये साथ में 16 से भी हो सकता है, तो हम इसको बोल सकते हैं। पर क्योंकि हमें यहाँ पता है कि 4 के बाद अगला कोई नहीं है, तो हम 4 से ही करें, तो 4 इंटू 24, राइट? अब 4 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 इंटू 3 इंटू हम क्या लिख सकते हैं, 8, राइट? 4 इंटू 3 इंटू 8। अब अगर हम देखें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है जो हर नंबर में, अभी टू नंबर है 3 4 5, वो जो हर नंबर में है, तो अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते थे 12 इंटू 7, इसको लिख सकते थे 12 इंटू 8। तो एक हाईएस्ट नंबर 12 एक ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर को, रिमेंबर 12 एक ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। कम्प्लीटली का मतलब क्लियर रखिएगा, जैसे अगर मैं 7 देखूं तो इसको डिवाइड करता है पर इसको नहीं, अगर मैं 8 देखूं तो इसको डिवाइड करेगा इसको नहीं, पर 12 एक ऐसा नंबर है जो 84 और 96 दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। देयरफोर HCF ऑफ दिस नंबर इज 12। ये हुआ फैक्टर मेथड या स्प्लिट मेथड। अब हम बात करते हैं डिवीजन मेथड की। तो देखिए डिवीजन मेथड में क्या होता है बेसिकली, कि हम सबसे बड़े नंबर को, जो भी नंबर दिए 2 और 3 4 5, पहले 2 का कंसेप्ट समझें, सपोज 2 नंबर्स दिए हैं तो जो भी बड़ा नंबर है उसमें स्मॉल नंबर से डिवाइड करते हैं। 3 के प्रोसेस को भी इसी तरीके से करते हैं हम। तो हमने डिवाइड किया और जब तक डिवाइड करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, यानी कम्प्लीटली डिवाइड ना हो जाए। जब कम्प्लीटली जिस समय डिवाइड होता है जिस नंबर से, वो उसका HCF होता है। देखिए कैसे, ये वन टाइम डिवाइड किया आपको मिला 10। आप क्या किया, आपने 86 को 10 से जो रिमाइंडर मिलता जाता है उसमें डिविजन्स वाले नंबर को हम आगे बढ़ाते जाते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो आप कितने टाइम, 8 टाइम, तो ये 80, ये आ गया कितना, 6, राइट? अच्छा सॉरी 84 है, सॉरी 84 है ये,
तो 84 लिखिएगा, ध्यान रखिएगा 84, तो वन टाइम दिया तो ये मिला हमको 12, राइट। अब अगर हम 84 ही ले लें तो 12 सिक्स जा 84, ये देखिए रिमाइंडर कितना आ गया, कम्प्लीटली जीरो। और जिस समय रिमाइंडर जीरो आता है उस समय जो लास्ट नंबर जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हैं वही HCF होता है, तो HCF ऑफ दिस नंबर इज 12। अब हम इसको एक एक करके सब कंसेप्ट बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज़ समझें, HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी आपको टू और मोर देन टू नंबर दिए, 2, 3, 4, 5, 6 जितने नंबर दिए, उसमें वो सबसे बड़ा फैक्टर, वो हाईएस्ट फैक्टर जो हर नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करे। जैसे यहाँ पर 12 84 को भी डिवाइड करता है, 96 को भी, 7 नहीं कर रहा है या 8 नहीं कर रहा है। तो HCF का मतलब है हाईएस्ट नंबर, और इसको हम फैक्टर या डिवीजन मेथड से करते हैं, और कुछ क्वेश्चन हम दोनों तरीके से करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन दोनों मेथड से जो ऊपर चीज़ है वो है हमारा अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच। अगर हम लॉजिकल अप्रोच करेंगे तो क्वेश्चन को आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम एक एक करके क्वेश्चंस करना चालू करते हैं, प्रैक्टिस बढ़ाते हैं, इसकी टाइप्स कवर करते हैं, चैप्टर आपको अपने आप क्लियर होने लगेगा। चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर वन लिए, पहले हम बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। और रिमेंबर, फैक्टर स्प्लिट मेथड एंड डिवीजन मेथड दोनों को साइमल्टेनियसली यूज़ करेंगे। प्लस मैं आपको साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ट्रिक्स समझाऊंगा, क्योंकि वही एक इंपॉर्टेंट चीज़। जैसे अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, फाइंड HCF ऑफ 1584 एंड 1872। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए, जब भी HCF निकालें नंबर को देखिए इवन है या ऑड है। नंबर वन, अगर नंबर इवन है, जैसे ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर 2, 4, 8, 16 इनसे डिवाइड होते हैं, राइट। अब आपको ये चेक करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ 2 के लिए, मैंने नंबर सिस्टम में आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ाया हुआ है, 2 के लिए रूल होता है कि यूनिट डिजिट डिविजिबल बाय 2, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, एक बार आप चाहो तो रिविजन कर लेना चैप्टर का, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट, 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट। तो नंबर वन, तो आप ये चेक करिए कि नंबर कैसा है। अब सपोज ये टाइप, ये ट्रिक नंबर वन हुई, मान लो नंबर ऑड है, तो ऑड में देखिए यूनिट डिजिट क्या है। ये यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं, कि यूनिट डिजिट से हमें नंबर पता चल जाता है। यूनिट डिजिट अगर सपोज 5 है, अगर यूनिट डिजिट का एंड 5 से हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपली वो नंबर 5 से डिवाइड होगा ही होगा। यानी यहाँ पर डिविजिबल बाय हम बोल सकते हैं 5 होगा। यहाँ पर अगर इवन है तो इनमें से कोई एक डिविजिबल होगा। अब बचते हैं हमारे पास 1, 3, 7 और 9 ऑड के लिए। अब 3 और 9 के लिए हमारे पास एक प्रॉपर रूल है, सम ऑफ नंबर आप देख लीजिए क्या होता है। अगर सम ऑफ नंबर्स, ये 3 और 9 के लिए रूल है, सम ऑफ नंबर मल्टीप्लाई 3 हुआ या 9 हुआ, जैसे सम 18 आया तो 3 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी होगा। सम ऑफ नंबर सपोज 27 आया, 3 से भी हुआ, 9 से भी हुआ। पर सम ऑफ नंबर सपोज 12 आया तो वो केवल 3 से होगा। तो ये इन दो नंबर के लिए होगा। अब बचता है केवल 1 और 7। बस 1 और 7 में आप ऐसा देखना एक बार कि 7 से डिवाइड हो रहा है या 1 से। तो ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका हो सकता है कि आप सबसे पहले चेक करिए। जैसे अभी जो नंबर मुझे दिया है वो क्या क्या था, 1584 और 1872 सपोज। अब अगर मैं इस नंबर में सबसे पहले जितने बड़े नंबर से हो सकता है डिवाइड करें, अगर मैं इस नंबर में आपसे बोलूँ 4 का डिवाइड होगा कि नहीं, तो होगा। 84 भी 2 से तो हो ही रहा है, इवन है तो 2 से तो हो गई बाय डिफॉल्ट। तो हम 4 का चेक करें, तो लास्ट 2 डिजिट इसके भी 4 से डिवाइड हो रहा है इसके भी। पर अगर 3 डिजिट को डिवाइड करके हो रहा है, तो आप ये एक चीज़ और चेक कर लिया करिए। तो अगर मैं लास्ट 3 डिजिट को देखिए 8 से डिवाइड करूँ, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट देखते हैं, तो 8, 7 या 56, 2 मिला, 8, 3 या 24, यानी 8 से भी डिवाइड हो रहा है। अब 8 से ये तो हो ही रहा है कि नहीं हो रहा, देखिए 8, 2 या 16, 2, 8, 3 या 24, यस ये भी हो रहा है। तो 8 से आपने डिवाइड किया तो देखिए क्या हुआ, 8, 7, 8, 9 या 72, 6, 8, 8 या 6, 1, 9, 8, मतलब ये 16 से भी हो रहा होगा। अब 8 से इसको डिवाइड किया, 8, 2 या 16, पहले 8 लिख दो, इन 2, 8 से किया तो 8, 2 या 16, 2, 8, 3 या 20,
टू, एट थ्री जा 24, थ्री एट फोर जा, राइट। इसका मतलब ये भी 16 से डिवाइड हो रहा होगा। आप 2 से और कर लें, 4 से तो हो नहीं रहा है, तो 2 से करा, तो 16 इन टू, 2 से किया तो बोलिए 99, यहाँ पर 2 आ गया तो 16 इन टू बोलिए 117। अब ध्यान से देखिए, ये 99 है, ये 117, इसको ऐड किया तो 18, इसको ऐड किया तो 9, मतलब 9 से डिवाइड हो रहा है, तो 16 इंटू 9 इंटू 11 यहाँ पर आए, 16 इंटू 9 इंटू 9 मतलब 9 2 9 3 जाइए 13। अब ये हमें कम्प्लीटली डिवाइड मिल गया। अब देखिए, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 144 इंटू 11, इसका मल्टीप्लाई किया तो 144 इंटू 13, सबसे बड़ा नंबर एक हमें मिला 144, जो कि 1584 और 1872 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, मीन्स एस सी एफ ऑफ दिस नंबर इज 144। ये क्लियर है, नोट करिए इसको। मैं आपको डिवीजन तरीके से भी समझा, क्वेश्चन हम फैक्टर स्प्लिट मेथड और डिवीजन मेथड दोनों से करेंगे, फिर डिपेंड ऑन क्वेश्चन, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें उससे करें, पर एक बार फिर रिवाइज करवा रहा हूँ, समझिए क्या करना है। सबसे पहले गिवन नंबर को चेक करिए, इवन है कि ऑड है। इवन है तो कन्फर्म में 2 से तो डिवाइड हो गई, पर आप 4, 8, 16 को भी चेक कर लीजिए। अब 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, 16 के लिए लास्ट 3, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट, 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट, इसको भी हम 16 से डायरेक्टली कर सकते थे। अगर नंबर ऑड है तो यूनिट प्लेस पे अगर 5 है सपोज, तो वो 5 से डिवाइड होगा। यूनिट प्लेस पे 1379 है तो उसमें पर्टिकुलर 3 और 9 के लिए सम ऑफ नंबर करके देख लीजिए, अगर 3 का या 9 का मल्टीपल है तो वो 3 या 9 से डिवाइड हो रहा है। कि 1 और 7 को आप, जिसके एंड में 1 और 7 है, सॉरी 17 नहीं, जिसका जिसके एंड में 1 और 7 है उसको हम ऐड जब करेंगे तो हमें समझ में आ ही जाएगा कि 3 या 7, क्योंकि अगर मल्टीपल ऑफ नंबर 3 का मल्टीपल निकला या 9 का तो इससे डिवाइड हो रहा होगा, नहीं तो हम 7 को या डिवाइड करके चेक करते हैं, वो क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये पहला आप इसको नोट कर लो, स्प्लिट मेथड को, फिर हम इसी क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से भी करते हैं। अब देखिए, सपोज इसी क्वेश्चन को हमें डिवीजन मेथड से करना होता तो क्या करते हैं, सिंपल, जो भी बड़ा नंबर है उसमें स्मॉल नंबर से डिवाइड करिए। 1584 वन टाइम डिवाइड हुआ, 1584 माइनस करिए, 882 राइट, इसमें 1584 को डिवाइड करिए, 1584 को डिवाइड करिए, ये 5 टाइम तो अपन कर ही सकते हैं, 5 टाइम किया तो 0 4 4 4 राइट, 8 5 जो 44 44 4 4 आया, 10 एंड 1 4 ये कितना हो गया, 4 4 1 144 288 में डिवाइड किया, 2 टाइम कम्प्लीटली डिवाइड हुआ, जहाँ कम्प्लीटली डिवाइड हुआ रिमाइंडर 0 मिला, तो जो लास्ट डिवीजन इज कॉल्ड SCF, तो ये आ गया SCF 144। ये तो हुई बात 2 नंबर्स की, अभी एक दो क्वेश्चन और 2 नंबर के देखते हैं, फिर 3 4 5 नंबर्स के भी SCF निकालना सीखेंगे, उससे ही आपके कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 396 एंड 612, क्या करेंगे, रूल नंबर 1 वही, अब हम दोनों में से किसी भी मेथड से कर लेंगे जिसमें कंफर्टेबल हो, ज़्यादा अच्छा होता है फैक्टराइजेशन मेथड। अगर फैक्टर के तरीके से देखें तो देखिए, इवन नंबर है दोनों का एंड, मतलब 2 से डिवाइड हो ही रहा है, 4 से और देखिए 4 से भी हो रहा है, 8 से और करके देख लीजिए, अगर 8 से हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे, तो 8 से ये नहीं हो रहा है ना, ठीक है, तो ठीक है 4 से डिवाइड किया तो 4 4 9 36 3 4 9 36 देखिए 4 into 99, इसलिए वो 84 ही से हो रहा था, यहाँ पे करा डिवाइड 4 4 5 4, आप डिवाइड शॉर्ट में करिए, मैंने आपको डिवीजन की ट्रिक सिखाई हुई है, 4 5 4 राइट, आप कितना 2 5 and 3 153। अब इन नंबर का एडिशन किया 118, इसका 18 आया, इसका किया 8 plus 1 9, यानी 18 और यहाँ पर डिवाइड हो सकता है, 4 into 9 into 11 4 into 9 into कितना हो जाएगा 1670, यानी 36 into 11 36 into 17, 36 एक ऐसा नंबर है जो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो एस सी एफ ऑफ दिस नंबर इज 36, नोट करिए।